बर्थडे बना रहे हैं हम लोग, अब कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग कर रहे हो लॉकडाउन के बाद? एक नई जिंदगी जैसे आ रही है सबकी लाइफ में, तो कैसा लग रहा है ये नया बर्थडे? नया बर्थडे ही हो गया एक लॉकडाउन के बाद की थी। She herself, I think, she gets so nervous. I'll tell. I mean, of course, ये दो सालों का काफी बड़ा लॉकडाउन रहा है. People are not going out. People are not interacting with anyone. But ठीक है, अभी वैक्सीनेशन लग चुका है. People are following the protocol. And we are so happy that after a long ages we interacting with each other. And it's really a very beautiful moment we are spending with together. And सारे friends निकिता के आए हैं. And wishing her very happy birthday and wishing her so best of luck for her future and काफी बड़े बड़े projects में काम भी करने वाली है. So yes, आज के बाद I guess इनकी जिंदगी में और अच्छे अच्छे और projects आए और इसी तरह से life में आगे बढ़े. अभी नए project के बारे में कुछ जो upcoming है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी 2022 में है, debut है मेरा, Bollywood debut है. Yes. Movie के लिए है and one music album के लिए है. थैंक यू. और अपने दोस्तों को जो यहाँ पर नहीं आ पाए उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हम उनको मिस कर रहे हैं. थैंक यू. एक काम करो, वन बाय वन करके ये वीडियो लो. अच्छे दोस्त है हमारे. निकिता जी आपको कैसा लग रहा है अपने थोड़े दोस्तों के साथ आज बर्थडे मना ले? मैंने कहा मेरे सारे क्लोज वंस हैं, सारे करीबी दोस्त मेरे साथ हैं. वो देखकर खुशी हुई कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पर मेरे लिए आए. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बर्थडे के बारे में? बहुत खुशी की बात है बर्थडे से. लॉकडाउन तो ऑब्वियसली कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो बहुत मजा आता है. और निकिता शी इज मोर लाइक फैमिली, दोस्त नहीं है. तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो चाहूंगी अगला जो भी साल है बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छे. निकिता मैम आपसे सवाल है कि आप मॉडल रह चुके हैं, इसके मॉडलिंग के बारे में बताइए क्या कुछ. मॉडलिंग के बारे में अभी जस्ट मैं शिफ्ट हो रही हूँ मॉडलिंग से एक्टिंग में. yes. जैसे मैंने कहा डेब्यू है मेरा बॉलीवुड डेब्यू है 2022 में. तो अभी हो गए थोड़े साल मॉडलिंग कर शिफ्ट टू एक्टिंग. लेट्स सी हाउ इट गोज. It's so nice. How you are like planning for your future? Like there are many projects aane wale hain. To kis tarah ka challenging kirdar tumhe karna pasand aayega aage aane wale future mein? So aane wale sare projects, maximum projects, mera genre rahega horror. Horror main kar rahi hu sare. And I'm producing my two own horror movies in upcoming year. So aap sabka support lagega. Yes. कि मॉडलिंग करते समय मैम किन किन चीज़ों की परेशानी आई, कैसा कुछ बताएंगे आप? परेशानियाँ तो कुछ नहीं आई. ऑफ कोर्स ये मेरा पैशन रहा है बचपन से. मैं काफ़ी लेट आई मॉर्निंग में. आई एंटर दिस फील्ड एट एज ऑफ 27 जो काफ़ी लेट कहा जाता है. बट स्टिल गोइंग गुड, वर्क गुड, गुड गुड ब्रांड्स, गुड फोटोग्राफर्स. थैंक यू. निकी आगे आने वाले वक्त में किस एक्टर के साथ काम करना चाहोगी? अगर मौका मिलता है तो आप आने वाले कौन से एक्टर के साथ आप काम करना चाहोगी? आप बॉलीवुड का कुछ? ऑफ कोर्स यस. बॉलीवुड विकी कौशल एंड राजकुमार राव. थैंक यू मैम. थैंक यू. सारे पेमेंट्स मुझे मिलने चाहिए, वरना मैं हैदर से बोल रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू निकिता दैट योर बर्थडे इज हियर. एंड दिवाकर जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. इट्स रियली ऑनर दैट यू आर प्रेजेंट टुडे हियर. एंड माय प्लेजर, माय प्लेजर. सो हाउ यू गोना कॉन्ग्रेचुलेट हर? व्हाट यू थॉट, लाइक कैसे क्या प्लान था बर्थडे का? I don't know, she has invited me, I've come here and I have not been a part of this plan, but it's beautiful and I'm happy to be part of this occasion. Thank you. And I hope you, from this birthday, we move forward and you have a great year and you have many better birthdays in the future. So whenever we hear about Divakar Pundir, Divakar Pundir itself a very big name, like he won Mr. Intercontinental India in Grammy, Mr. India, yes, in 1998, and after that you had done many commercial ads, and we never forget that moment when
अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है. सो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी यू आर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. सो टेल अस लिटिल व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड हाउ यू एक्सप्लोरिंग द थिंग्स इन दिस लॉकडाउन. I am not doing that much work right now, but I keep shooting for some ads. I shot a movie in the lockdown called 99 Songs, and yeah, so not very many projects, but yeah, if some good project comes up, I will do it. And right now, I would like to be more focused on her birthday. But the last question I really wanted to ask: people are still missing that song. अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है. क्या हमें आने वाले फ्यूचर में इस तरह के फिर से एक धमाकेदार सॉन्ग मिलने की उम्मीद है? आपके जो फैंस हैं और आपकी जो दीवाने हैं फिर से आपको देखना चाहते हैं सरताज में. सो आर यू विलिंग? नो, आई वुड इन फैक्ट वांट टू सी यंगर पीपल इन द न्यू म्यूजिक सॉन्ग्स एंड वीडियोस, बिकॉज़ मेरा मानना है कि अगर हम लोग ही काम करते रहेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा. एंड ऑल्सो हाँ, अगर कोई ऐसा सॉन्ग मिलता है मुझे जो मेरे लायक होगा तो मैं जरूर करूँ, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं है. थैंक यू सो मच, इट्स ऑन टू कॉल. आपका बहुत बहुत ही स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप निकिता के बर्थडे में आए हैं. क्या स्पेशल विशेस आप निकिता को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच निकिता फॉर कॉलिंग मी, और अच्छा लगा तुम्हें याद रहा बुलाना है, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है. और जितनी लंबी तुम हो उतनी लंबी तुम्हारा केक है, उतनी लंबी तुम्हारी उम्र हो, यही मैं तहे दिल से दुआ मांगूंगा. और खूबसूरत तुम्हारे केक पर खूब खूबसूरत शैंपेन रखा हुआ है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगा यकीनन. और तुम एक अच्छी एनिमल लवर हो, और आई एम श्योर यू मस्ट बी अदरवाइज बहुत अच्छी लवर साबित हो सकती हो. कैन बी बाकी नव्या है, नवेली रात है, और कैसे सर आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स हैं व्हिच देयर यू आर वर्किंग ऑन? मेरी इस कोविड में फैक्ट्री नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि आमिर खान के भाई फैजल की, और जो मकबूल रही काफ़ी, और उसमें मेन कॉमेडियन था मैं. और अभी फ्राइडे को शुभ रात्रि नाम की फिल्म रिलीज हुई है जो इन्होंने झेली है. और इसके अलावा अभी मेरी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आएगी राणा नायडू, जिसमें राणा भूकापति है, उसमें मेरा बहुत पिवोटल नेगेटिव रोल है. और बाकी ये मूछ भुगाई है मैंने एक नई फिल्म के चलते पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम, जो बहुत छुप रही है, लेकिन आप श्योर चुभेगा नहीं आपको और आप लोग मजे लोगे. आज सर जो है बर्थडे भी है, क्या उस कॉमेडी के साथ जो है मैम को विश करना चाहेंगे? पहले मैंने बोला इतनी लंबी लंबा केक तो लंबी उम्र. Would you like to say anything about Rajkumar sir? Have you like this is like a very great moment when the Bollywood celebrities are here. So would you like to say anything? How you're happy? How you're excited? And how you're overwhelmed? Wow, that sounds good. I like your questions. See, मेरा first birthday इतना special रहा है. Yes. और वो सब आप सबके वजह से है. राजकुमार जी, दिवाकर, नव्या, अनु जी, एवरीवन ओवर हियर. और राजकुमार जी को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ. कोइंसिडेंस हाँ. ये है कि सबसे पहले मैं ही मिला था, राइट? इस ग्रुप में सबसे पहले मैं मिला था. तो उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, बेस्ट विशेस देना चाहूँगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए. यही ऑल द बेस्ट मैं रिटर्न गिफ्ट देना चाहूँगा. ऑल द बेस्ट. मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कल्याण जी जाना का, जिन्होंने बहुत ही काफ़ी कहते हैं ना कम्युनिटी से चुन करके एक उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है, सुपर मॉडल ऑफ द ईयर. दादा साहब फाल्के इटसेल्फ अ बिग वेरी बिग अवार्ड. दादा साहब फाल्के ने ही फिल्म की शुरुआत की थी जब उनकी पहली फिल्म आई थी हरिश्चंद्र. एंड आई एम रियली ओवरवॉम्ड कि मुझे ये अवार्ड जो है मुकेश भट्ट साहब के हाथ से मिला है, जहाँ पे मीता वशिष्ठ थी, मिस्टर बाला सुब्रमण्यम थे जो कि बहुत बड़े सिंगर्स हैं, एंड मुकेश भट्ट इट्सेल्फ अ वेरी बिग फिल्म डायरेक्टर. तो एक फिल्म डायरेक्टर के हाथ से अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है. मैं बहुत ही खुश हूँ और ये सब मेरे लिए नहीं, पूरे इंटायर कम्युनिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है. तो यस,
I'm very happy. Yes, ma'am. इस अवार्ड के बाद ये पहला आपका जो इंटरव्यू है और बर्थडे पार्टी है, इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहिए? मैं निकिता को बहुत ही तहे दिल से बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. ऑफकोर्स यस, आई गेस कल अवार्ड फंक्शन था और आज ये बर्थडे इवेंट में सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मेरे लिए दो दो पार्टी है. कल भी मैंने पार्टी की मेरे दोस्तों के साथ, जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मुझे ये दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला है, और उसके बाद आज निकिता का बर्थडे था तो मैं यहाँ पे आई. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई एम विशिंग वेरी बेस्ट ऑफ लक टू हर इन हर फ्यूचर एडवेंचर्स. थैंक यू सो मच.